सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है गाइज। इस बार ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है और क्लास 9th और 11th के लिए तो खासकर बहुत ही अच्छी है। स्कूल्स ने और जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनकी आँख खुल गई है। जो आप इतने दिनों से डिमांड कर रहे हो उसी को लेकर बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है गाइज। क्या बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है वो तो गाइज मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, लेकिन गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को अनअकैडमी के एक स्पेशल प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूंगा। तो गाइज अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट के लिए फिर से अनअकैडमी एशियन चैंपियनशिप लेकर आई है गाइज। इस चैंपियनशिप के अंदर सभी क्लासेस पार्टिसिपेट कर सकती है, क्लास 6 से लेकर क्लास 12th के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस अनअकैडमी एशियन चैंपियनशिप के अंदर। इस चैंपियनशिप की स्पेशल बात ये है कि इस चैंपियनशिप के अंदर आपको विनिंग प्राइज 5,00,000 रुपये तक मिल सकता है। और गाइज साथ में जो इसका सिलेबस है पूरा का पूरा सिलेबस आपके एनसीईआरटी बेस्ड है और जो आपके बोर्ड एग्जाम में सिलेबस आने वाला है या फिर आपके जो फाइनल एग्जाम में सिलेबस आने वाला है उसी के ऊपर ये पूरा जो चैंपियनशिप है वो बेस्ड है। इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करके आप एनुअल एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो और साथ में फ्रेंड्स भी चैलेंज कर सकते हो, बता सकते हो कि आपकी कितनी प्रिपेयर है। और गाइज आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके कोई आपको चार्जेस पे नहीं करने, ये एकदम फ्री है। अनअकैडमी एशियन चैंपियनशिप एकदम फ्री है। 13 तारीख को दोपहर 11 से 12 बजे चैंपियनशिप चलने वाली है, मतलब 13 फरवरी को मॉर्निंग में 11 बजे से 12 बजे तक एशियन चैंपियनशिप चलेगी। मौका काफ़ी अच्छा है सभी स्टूडेंट के लिए, मौके को वेस्ट मत होने देना। अभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ जिस पर आप क्लिक करके एनरोल करो और पार्टिसिपेट कर लो। एनरोल करते टाइम कई बार आपसे कोड मांगा जाता है तो आपको कुछ भी नहीं करना, कोड में आपको जीपी एडवाइस 10 कोड लगाना है और आप सभी फ्री में एनरोल कर पाओगे। काफ़ी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा मौका मिल रहा है तो इस मौके को वेस्ट मत होने देना। मैं जानता हूँ कि आप सभी चैंपियन हो और चैंपियन बन के दिखाओ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी अनअकैडमी एशियन चैंपियनशिप जीतो और बहुत सारे प्राइज भी विन करो। तो गाइज आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और अगर आपको ज़्यादा एशियन के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना। तो गाइज केरला के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने जो आप सभी की प्रॉब्लम है क्लास 9th और 11th की उस प्रॉब्लम को एजुकेशन डिपार्टमेंट तक पहुंचा दिया है। उन्होंने एक इंसिडेंट हुआ भी केरला के अंदर, आप सभी को न्यूज़ पता ही लगी होगी कि केरला के अंदर काफ़ी सारे बच्चे और टीचर और स्कूल के स्टाफ पॉजिटिव आ गए, इंक्लूडेड क्लास 10th और 12th के बच्चों को, मतलब लगभग क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के लगभग अप्रॉक्सीमेटली मेरे को याद नहीं डाटा 100+ बच्चे पॉजिटिव आ गए। तो ये इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद में उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो एक रूम के अंदर 25 या 20 बच्चों को ही बैठाएंगे, जिस वजह से स्कूल्स के पास में रूम कम बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये भी बोला कि हम ज़्यादा स्कूल स्टाफ को अलॉट नहीं कर सकते रूम। तो इस कंडीशन के अंदर वो उन्होंने अपनी जो केरला गवर्नमेंट है उनके बिहाफ पर जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको बोला है कि आप क्लास 9th और 11th के एग्जाम ऑनलाइन के ऊपर एक बार बैठ के सोचो। तो गाइज एजुकेशन मिनिस्टर तक बात पहुंच गई है, उनको सिर्फ एक रिक्वेस्ट चाहिए थी, वो रिक्वेस्ट पहुंच गई है। हो सकता है गाइज कि क्लास 9th और 11th के बच्चों के लिए जल्द कोई बड़ा फैसला आ जाए। गाइज ये मेरे को NDTV जो न्यूज़ चैनल है उससे मेरे को अभी अभी ये न्यूज़ मिली है, उस पर अभी कोई प्रोग्राम चल रहा था उसमें ही एक एक्सपर्ट ने ये बात बोली है। मैं कोशिश करूंगा जल्द उस एक्सपर्ट की मतलब एज वीडियो रिकॉर्डिंग आपसे शेयर कर दूं। तब तक गाइज मैं आपको इतना कहना चाहूंगा बहुत अच्छी न्यूज़ है और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है आप सभी के लिए। अगर गाइज ऐसा होता है तो एजुकेशन मिनिस्टर तक कोई स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर प्रॉब्लम बता रहा है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के तौर पर जल्द कोई बड़ी अच्छी और गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। एग्ज़ाम ऑनलाइन होने के फिर से चांसेस बढ़ गए हैं, धीरे धीरे करके चांसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले गाइज बच्चे पॉजिटिव हो गए, अब तो इतने बच्चे पॉजिटिव हो गए जिनको एक तरीके से गिनना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डाटा निकला है बाहर वो अभी सिर्फ फर्स्ट टेस्टिंग करने के बाद डाटा निकला है, कई लोगों की तो अभी टेस्टिंग हुई भी नहीं है, अगर उनकी टेस्टिंग होती तो वो भी पॉजिटिव निकल जाएंगे। तो गाइज काफ़ी सारे अमाउंट में बच्चे पॉजिटिव हो रहे हैं, इसको देखते हुए गवर्नमेंट जल्द क्लास 9th 11th के बच्चों के लिए एक्शन लेगी। बस गाइज अब लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, सिंपल बात यही है। सिंपल लैंग्वेज में आपको इतना ही कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके, जितना ही जल्दी हो सके ट्वीट करो, जो HRD मिनिस्टर उनको बताओ कि पॉजिटिव आ रहे हैं बच्चे और हमारा पूरे साल ऑनलाइन हुआ है तो हमारे एग्जाम ऑनलाइन होने चाहिए। लोहा गर्म है बात, अब एक साथ सारे लग जाओ, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, एक साथ लग जाओ, टाइम कम है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी करो, बाकी का ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, मेरी तरफ से जो होगा मैं करूँगा।
बाकी गाइस कोई भी टेंशन हो, कोई भी घबराहट हो, तो मुझसे फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी, अपने फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आशा करता हूं सेफ रहो।